हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो कैसे हो सभी लोग, स्वागत है आपका फार्मिंग सिमुलेटर 23 की एक और न्यू गेम प्ले में। तो भाई यहाँ पर देखो, आज मैंने कुछ जुगाड़ लगाया है और इधर हार्वेस्टर के पीछे ना मैं कल्टीवेटर अटैच किया है इसको, और आज मैं हार्वेस्ट करके देखूंगा और साथ ही कल्टिवेटिव करूँगा कि दोनों काम होते हैं कि नहीं होते। और भाई ये मत कहना कि ये मोड है, वो मोड नहीं है भाई, ये जो है ओरिजिनल में काम करता है। और जायंट सॉर्टर वालों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई कॉपीराइट वगैरह मत दे देना, क्योंकि ये ओरिजिनल में काम करता है। कुछ मैंने मोड वगैरह ऐड नहीं किया इसमें कि वो इसके पीछे अटैच हो, ये ओरिजिनल मोड है भाई, सॉरी ओरिजिनल एपी के है बाई किया हुआ, और उसी में काम वर्क कर रहा है ये। तो भाई आज जो है ये वाला फील्ड हार्वेस्ट करना है, और इसमें मैंने कॉर्न प्लांट कर रखा था और कॉर्न में हार्वेस्ट कर रहा हूँ। तो कॉर्न का मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई, क्रॉप की कॉर्न की इस बार इसमें इस तरह की है, बिल्कुल डिफरेंट बना दी भाई, कलर बिल्कुल भी चेंज कर दिया है इसका। फार्मिंग सिमुलेटर 20 से अलग है इसकी जो क्रॉप का टेक्सचर है वो। फार्मिंग सिमुलेटर 20 में जो टेक्सचर था ना, वो सनफ्लोर और कॉर्न में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, और वैसे ज़्यादा येलो मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक पता है कॉर्न का जो टेक्सचर है ना, हार्वेस्ट टाइम पे येलो कलर का हो जाता था, या फिर मेरे को कंफर्म तो पता नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है जैसे सड़ा हुआ हो ना वैसा दिखता था, लेकिन इसमें है ना ऐसे एकदम रियल लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि ये पके हुए हैं और रियल में कॉर्न नहीं है। तो इसमें वैसी वाली फीलिंग नहीं आ रही, और FS20 से तो डिफरेंट बना दिया है। तो इसमें काफ़ी ऐसी क्रॉप है जो जिनको FS20 में से डिफरेंट बनाया है, और काफ़ी ऐसी भी है जो न्यू भी आई है। और एक वो क्रॉप है ना वो सीडिंग वाली, वो तो बकवास है भाई, उसका तो कोई यूज भी नहीं है, और शायद ही आप लोगों में से कोई यूज करता होगा उसको। मेरे को लगता है कि 100 बंदों में से 1% बंदे ऐसे होंगे कि उस क्रॉप का यूज करते होंगे, और फिर भी मेरे को पता नहीं है कि वो शायद करते भी होंगे, क्योंकि वो फिर कल्टीवेट करना कितना बला बला कितना बड़ा झंझट है उसमें। चलो छोड़ो उनको, यहाँ पर मैं करता हूँ हेल्पर को हाइड, और एक बार मैं नीचे उतर के क्रॉप का टेक्सचर जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। तो ये देखो भाई, यहाँ पर लगे हैं कौन, किधर लगे हैं भाई, हाँ ये रहे, ये देखो भाई ये रहे कौन, और इसमें दाने भी नज़र आ रहे हैं क्या, हाँ नज़र तो आ रहे हैं अंदर से। ये देखो, और इसके एक दो और दो दिखाई दे रहे हैं, इसमें दो बुट्टे लगे हुए हैं, और इस वाले पौधे की सेम है क्या, नहीं भाई सेम नहीं है, इस वाले में है एक लगा हुआ है, इसमें एक बुट्टा लगा हुआ है और इसमें भी एक है, तो इसमें सेम नहीं है, सभी के वह बुट्टे सेम लगे हुए हैं, अलग अलग लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है हमको हील्ड बोनस भी 100% है, हाँ ठीक है। और इसमें मैं करने वाला हूँ कॉटन प्लांट, और कॉटन प्लांट का रीज़न ये है कि मेरे पास, आपको मैं दिखाऊं कि ये देखो मेरे पास वूल की प्रोडक्शन चल रही है, और ये जो है स्पिनरी पे कॉटन की भी चलती है, तो मैं कॉटन प्लांट करके और कॉटन की प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कॉटन कि प्लांट के लिए हमको जो सीडर वगैरह चाहिए वो तो है हमारे पास, उसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन एक हार्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी हमको, जो कि हमको पड़ने वाली है अराउंड 5 लाख रुपए के अराउंड पड़ने वाली है। तो हार्वेस्टर की मैं आपको दिखाऊं डिटेल, तो कॉटन, हाँ ये रही कॉटन टेक्नोलॉजी। तो एक तो चाहिए हमको ये वाली मॉड्यूल की हार्वेस्टर जो 605 इसका मॉडल है, केस IH की है भाई ये वाली, और FS20 वाली वही है भाई, सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। और हाँ ये हो सकता है कि इसमें थोड़ा सी डिटेल डाल दी गई हो, या फिर थोड़ा सा टेक्सचर को चेंज कर दिया गया, इसका HD वगैरह ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है। और मैं शायद मीडियम पे खेल रहा हूँ भाई, तो इसमें थोड़ा सा मैं हाई पे है भाई, मीडियम पे नहीं है, मैं सोच रहा था मीडियम पे है। ठीक है, हाँ वेरी हाई पे तो नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वो क्रैश हो जाएगी। और एक तो ये चाहिए, तो ये हमको पड़ रही है 485 की, ठीक है, और 26,000 रुपये का ये है। तो ये ट्रेलर चाहिए चाहिए हमको इसके साथ, क्योंकि बेल उठाने के लिए चाहिए, और ये एक बेल को पिक करता है, और ये हमको अराउंड पड़ने वाला है 26,000 यूरो डॉलर का।
और ये वाला जो है ये कितनी बैल पिक करेगा इसको? हाँ, दो बैल पिक करेगा ये, एक करेगा ये, दो करेगा ये। लेकिन ये वाले ले नहीं सकते क्योंकि ये ट्रक का ही अटैच होता है, ट्रैक्टर के आप अटैच नहीं कर सकते। तो हमको जो है चाहिए अराउंड अराउंड 5.5 लाख रुपए तो होना ही चाहिए हमारे पास। तो मेरे पास एक आइडिया है, हमारे पास क्लोप पड़ी है, तो क्लोप की एक बार प्राइस चेक करता हूँ कि ठीक चल रही है ये, होगी तो मैं सेल कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो फार्म पे है मेरे पास कम से कम भी 7-8 पैकेट तो होंगे। तो अभी जो है क्लोप की जो प्राइस है वो डाउन चल रही है, तो अभी तो सेल नहीं कर सकता है इसको, थोड़ा सा स्कीप करके फिर सेल करेंगे इनको। तो अभी तो मैं अदर काम कर लेता हूँ। तो ये वाला ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है, तो इसको मैं थंबनेल लेने के लिए खड़ा किया होगा। तो अभी जो है गेम भी थोड़ी सी लेग करना स्टार्ट कर दी भाई, ये देखो थोड़ी 5 मिनट नहीं हुआ गेम को खेलते हुए और लेग करना स्टार्ट। और मैं जो है वीडियो फैन ऑफ करके बनाता हूँ भाई, इस वजह से भी थोड़ी गर्मी है ना, तो हीट हो रहा है डिवाइस, तो इस वजह से भी थोड़ा सा समझ रहे हो ना लेग करता है। और ये देखो करंट अटैच हो गया, इसको वापस डिस्कनेक्ट करते हैं और ट्रैक्टर को अभी बाहर निकाल के इसको तो यहीं भी जोड़ते हैं। और एक बार में वूल जो है उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, तो अभी उनको भी लेके आना पड़ेगा। तो काम हो चुका है और अभी 50% और हार्वेस्ट करना बाकी है, तो इसको जो है करने देता हूँ। ये एक बार फुल हो गई थी भाई, मैंने सोचा था कि यह बहुत कम निकलेगा, शायद एक हार्वेस्टर भरेगी। मैं आइडिया लगा रहा था सनफ्लावर की वजह से कि सनफ्लावर में जो है ये हार्वेस्टर शायद दो भरती है मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें है ना यहीं पे भर गई भाई, 2 या 4 चक्कर इसने हार्वेस्ट किया होगा। और वो देखो ट्रैक्टर खड़ा ना जोंडियर वाला, वहीं पे ये भरी थी और दोबारा ये फुल होने को आ गई। तो भाई काफ़ी ज़्यादा निकलता है कॉर्न, पर वही है कि कॉर्न की जो है प्राइस सनफ्लावर से थोड़ी सी डाउन चल रही है, चलती है चल रही है क्या, वो डाउन रहती है इसकी, इस वजह से भी ये थोड़ा सा के ज़्यादा निकलता है तो थोड़ा सस्ता है। कोई ना, तो हम अब जो है एक काम करते हैं, इस वाले फार्म की जो ना स्टोरेज जो है वो फुल हो गई है, तो हम जो है इनमें से थोड़े से, इस वजह से मैंने पहले ही ये बाहर निकाल लिया, क्योंकि मैं जो है अभी 9 क्लॉथ के पैकेट और लेके आया था वहाँ से टेलर शॉप से। ये देखो मेरे पास जो है अभी 21 क्लॉथ के पैकेट हो चुके हैं, तो ये फुल हो गया था, तो इस वजह से क्लॉथ के पैकेट जा नहीं रहे थे इसके अंदर, तो मैं 4 बेल साइलेज के निकाल लिया बाहर, क्योंकि क्लॉथ के भी रेट ठीक नहीं चल रही, तो इस वजह से मैंने बाहर निकाल लिया। और सनफ्लावर की रेट जो है वो ठीक चल रही है, 6100 रुपये चल रही है अभी सुपर मार्केट पर, और पास में ही है, तो इसको मैं सेल कराता हूँ सनफ्लावर को। और अभी हमें पैसों की ज़रूरत भी है ना, तो इस वजह से अभी यहाँ पर बेल हैं, कैपेसिटी फुल हो गई है इसकी भी, तो इनको कोई ना, इसको तो लोड कर लेंगे हम। और ऐसे पास में ही है वो, देखो 80% हो चुकी है वो वाली हार्वेस्टर, तो उसको भी अनलोड कर देंगे इनको सब। उससे पहले हम एक दो ट्रेलर सेल कर आते हैं, क्योंकि तब तक भर जाएगी वो भी, और उधर भी हम ट्रेलर को अनलोड कर, सॉरी हार्वेस्टर को अनलोड कर लेंगे ट्रेलर में। तो यहाँ पर मैं सनप्लो, अबे यार इसको भी मैं बीच में खड़ा कर दिया, कोई ना यहाँ इधर से डल जाएगी, और वैसे इतने भारी नहीं है वो, हो जाता है। अभी तो 12 पैकेट आ चुके हैं और 12 और आ जाएंगे, 2 बार में हो जाएगा काम, कोई चक्कर नहीं। और अभी तो और भी है सनफ्लोर ऑयल, वो वहाँ पर है, शॉर्ट कट मार लेता हूँ मैं, क्या ही फर्क पड़ता है, व्यू तो वैसे आने नहीं है, चलो छोड़ो। तो वहाँ पर जो है उस वाली फैक्ट्री में और रखे हैं सनफ्लोर, तो अभी ये 60,000 के अराउंड ज़्यादा गए क्या? हाँ 12 पैकेट थे, मैं 10 के हिसाब से हिसाब लगा लिया भाई, 10 तो 61,000 रुपये के हो गए, और बाकी के 2 पैकेट और है ना उनके भी तो आएंगे हमारे पास। और भाई मैंने वापस, अरे हाई में चल रहा है, मीडियम में कर लेता हूँ भाई, और अभी जो है 12 पैकेट और है इसमें, तो 12 और लोड कर लेता हूँ मैं। ये लो इस, ये तो हो जाएगी सीधी, कोई चक्कर नहीं। तो अभी अंदर से पूरे पैकेट बाहर नहीं है, तो अभी और खा लेता हूँ मैं। अबे यार फिर से ट्रैक्टर में से निकला था, ट्रैक्टर में चढ़ गया, ये थोड़ा सा बटन दबाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है जल्दबाजी में यार, ये तो हो ही जाता है। तो 5 पैकेट हो रहे हैं, तो 5 और निकाल लेते हैं,
कोई चक्कर नहीं है। तो अभी 5 को, हाँ हो गए 12। वो देखो ये टैंक भी फुल हो गया, तो एक बार इससे मैं सेल करके और हेल्पर लगा दूँ इस वाले ट्रैक्टर पे, तो वहाँ पर वो ले जाएगा जो ऑयल मिल है हमारी, तो वहाँ पर ले जाएगा। तब तक हम हार्वेस्टर को अनलोड कर लेंगे उस वाले ट्रैक्टर में, तो इसको भी मैं सेल करता हूँ। हमारे पास लगभग पैसे बन गए, अभी उतने ज़्यादा तो नहीं बने, लेकिन क्लॉथ भी पड़े हैं ना हमारे पास, काफ़ी क्लॉथ के पैकेट पड़े हैं, और क्लॉथ के बॉक्स से हमें काफ़ी फायदा भी होगा भाई, क्योंकि जो एक जो क्लॉथ का पैकेट है ना वो जाता है 30,000 के अराउंड, यानी कि 30,000 रुपये के बराबर। तो वो जो है हमारे पास 21 है, तो 21 के आप हिसाब लगा लो कि कितने हो गए, मतलब कि 10 के हो गए 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए के अराउंड हमारे पास क्लॉथ पड़ा है। तो 6 लाख रुपए वैसे ही हार्वेस्ट लेना है हमको एक, और एक लेना है इसको मैं ड्राइव पे लगा देता हूँ, और एक ट्रेलर लेना है, तो हमको 5 साढ़े 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो हमारे पास 7-8 लाख रुपए हो जाएंगे, तो काम तो हो जाएगा हमारा वैसे ठीक है। और ये देखो ये फिर से भर गया भाई, 2 बार तो भर चुका है, और तीसरी बार तो भर जाएगा क्या, भर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो तीसरी बार भी भरेगा ये 100%। और ये वाला ट्रेलर कैपेसिटी मेरे हिसाब से 35,000 लीटर है, तो ये तो फुल नहीं होने वाला। और आज हम इन क्रोन को भी सेल करके देखेंगे इनकी कितनी प्राइस मिलती है हमको, और इनकी अभी प्रोडक्शन तो शुरू करने वाला हूँ नहीं मैं, इनकी बाद में करूँगा। और यहाँ पर अब इसको तो लगे रहने देता हूँ, और ये वाला ट्रैक्टर पहुँच गया, तो इसको मैं अभी लोड करता हूँ सनफ्लोर, सनफ्लोर के पहले शायद कोई और पैकेट ना हो, हाँ सनफ्लोर ही है, तो ये वाला सनफ्लोर ऑयल ले लेता हूँ एक बार। हाँ 3 आ गए, हाँ भेजो भाई भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, अभी 3 पैकेट और बाकी है, तो वो भी एक बार आ जाए तो हम लोड कर लूँ इसको। मेरे को लग रहा है 50% पैसे तो बन गए हैं हमारे पास, 2.5 लाख रुपए होने वाले हैं, 5.5 की ज़रूरत है हमें, और इस वाले ट्रेलर को हम सेल करते ही हमारे पास 50% से ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। ठीक है बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं सोच रहा हूँ कि एक हार्वेस्टर को भी अपग्रेड कर लूँ इस वाले हार्वेस्टर को, क्योंकि कितने दिन हो गए यूज़ करते हुए, तो एक ही एक हार्वेस्टर देख देख के आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि ये क्या बंदा है भाई, हार्वेस्टर चेंज ही नहीं करता। तो मैं सोच रहा हूँ क्लास वाली ले लूँ या फिर जोंडियर वाली ले लूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मेरी, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना कि जोंडियर वाली लूँ या फिर क्लास वाली लूँ, क्योंकि क्लास का मेरे पास हेडर, वैसे हेडर को भी मैं सेल करूँगा, क्लास का दूसरा एक बड़ा हेडर है जो 12 मीटर का है, वो वाला लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये जो है 10 मीटर का है, तो इससे तो काम हमारा बहुत स्लो होता है, तो मैं 12 मीटर वाला ले लेता हूँ, और एक और है 15 मीटर का, तो वो तो मैं बाद में ले लूँगा, क्योंकि अभी जो है हमारे पास से पैसे इतने ही हैं कि हम। ये लो गाइस तीसरी बार ये हार्वेस्टर फुल हो चुका है इस वाले फील्ड में, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा जो है कॉर्न हमको मिल रहा है, लेकिन कॉर्न की जो है वैल्यू थोड़ी सी सनफ्लावर से कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये समझ सकते हो आप, लेकिन कोई ना, अभी ये तीसरी भर गई है, चौथी भी भर जाएगी मेरे हिसाब से लगभग, और बाकी अब देखेंगे ट्रेलर, अब तो मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेलर भी फुल हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरी हार्वेस्टर फुल हो चुकी है, मतलब कि 30,000 लीटर हमारा कॉर्न जो है ट्रेलर में आ चुका है, तो अभी जो है मेरे हिसाब से 8-9 हज़ार तो अभी कौन और निकलने वाला है, तो एक बार इससे डाल देता हूँ, और इसमें तो अभी 2-3 हज़ार लीटर आएगा, और इसको एक बार फुल करके फिर सेल करके आऊँगा, तो हमें पता भी चले कि एक ट्रेलर कितना रुपए का जाएगा, और बाकी इसे हार्वेस्ट करने देते हैं यहाँ पर। और अभी जो है इनको जो है काउज़ को, हमारे काउज़ को इनका भी बहुत ज़्यादा काम है भाई, तो ये वाला जो है मिक्सर वैगन से साइलेज बेल डाल देते हैं, साइलेज बेल भी भाई मैंने निकाल रखी है 4, तो 4 तो चारों डलेगी भाई इसमें मेरे हिसाब से, तो देखूँ एक बार, तो साइलेज 4 तो नहीं डल पाएगी, क्योंकि अभी है ही उसमें साइलेज थोड़ी, पूरा खाली रहता ना तभी भी 4 डल जाती है भाई, मैं भूल गया,
चार तो एक ट्रेलर में आ जाती है भाई, आठ डलेगी, आठ सात या फिर छह तो डलेगी इसमें। अभी देखते हैं कितनी आएगी। और नेक्स्ट जो है हार्वेस्टर, और हार्वेस्ट करके बेल निकालने वाले हैं कॉटन की, और कॉटन की बहुत बड़ी बेल निकलने वाली है भाई। और इसको रोम साइड से घुसा दिया इसको भाई, इधर से फेंक रहा है। तो भाई कभी ये नौ, हाँ सही है, ठीक है ठीक है, चार ही मैंने गेस्ट किया था, चार आ गई इसमें। और अभी जो है मिल्क वाला ट्रेलर किधर है हमारा, तो मिल्क वाला ये यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको भी मैं एक बार मिल्क को प्राइस देख लूँ, और फिर मिल्क को भी सेल कर ही देता हूँ मैं। तो मिल्क की जो प्राइस है, कहाँ गया मिल्क, मिल्क मिल्क भाई यहाँ पर, हाँ ये रहा मिल्क की भाई, बेस्ट प्राइस चल रही है डेयरी, सेम ही है भाई, लगभग लगभग सेम है, ज़्यादा इतना खास डिफरेंट नहीं है। तो फार्मर्स मार्केट पे चलते हैं इनको लेके, और यहाँ पर ज़्यादा तो नहीं है हमारे पास, एक ट्रेलर सेल कराता हूँ मैं, और बाकी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में सेल करूँगा, क्योंकि अभी तो 13,000 लीटर मिल्क है हमारे पास, उतना ज़्यादा है नहीं। और इस टैंक को भी अपग्रेड करूँ, लेकिन टैंक को अपग्रेड कैसे करूँ भाई, यहाँ पर जो है ट्रक लेना पड़ेगा हमको। तो ट्रक तो वैसे ले लूँगा मैं, इतना मेरे खास है नहीं, मैं थोड़ा सा गेम खेलने की ज़रूरत है और ट्रक ले लूँगा, लेकिन दिक्कत उसमें ये है कि भाई ज़्यादा व्हीकल रखूँगा तो मेरी गेम है ना या चल रही ना उतने भी नहीं चलेगी, तो इस वजह से मैं ट्रक नहीं ले रहा। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट अपडेट आ जाए, तो नेक्स्ट अपडेट का मैं वेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट अपडेट आ जाए और उसमें ये इशू क्रेश वाला फिक्स हो जाए भाई। तो मैं जितने भी मैंने व्हीकल ली है और जो काम में आ रही है उनको मैं किसी को भी सेल नहीं करूँगा, और जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आ जाती तब तक भाई मैं सेल करूँगा, और तभी दूसरी व्हीकल लूँगा, क्योंकि जो है आपको पता ही है प्रॉब्लम का, कि अगर ज़्यादा व्हीकल रखोगे तो वो फिर क्रेश होनी है गेम। और भाई आप मेल वगैरह किया करो, क्योंकि जो है जितनी मेल वगैरह करोगे ना जाइंट सॉफ्टवेयर वालों को, तो उतनी ही जल्दी अपडेट आएगी। तो ये दूध है ना, ये ऑटोमेटिक जा रहा है मिल्क हमारा, इसको जो है बटन प्रेस नहीं करना पड़ रहा, तो इसको जो मैं अभी ऑटो ड्राइव पर लगा देता हूँ। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो गया, वो सीड कर रहा था वो वाला हो गया मेरे हिसाब से, हाँ ये वाला ही हो गया। इसको जो है एक बार रोकना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो है ये नज़दीक आ गया इसके हार्वेस्टर की, तो वैसे तो काफ़ी लगभग लगभग हो ही गया है, और इसमें अनलोड कर ही लेता हूँ मैं चलती चलती हार्वेस्टर में, क्योंकि इसमें इतना ही आएगा, पूरा तो आने से रहा, क्योंकि ये वाला ट्रेलर हो चुका है फुल। यहाँ से लेता हूँ एक बार, इसने अभी जो है 10% काम करना और बाकी है, और हमारा एक ही बार में दो काम हो गया। वैसे तो भाई डर यही है भाई कि यह जो है जाइंट सॉफ्टवेयर वाले इस वीडियो को देखे और कॉपीराइट ना दे दे, क्योंकि मैं जो है काम उल्टी पुल्टी कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको कल्टीवेट को लगा रखा है पीछे। और एक बार मैं बेस्ट प्राइस वाली वो देख लूँ सेलिंग पॉइंट, वो कहाँ पर है कौन का, और कौन की वैसे भाई ये वाली बनती है क्या है करेल, तो ये भी बनाएंगे, लेकिन ये बाद में बनाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई वैसे। और कौन किधर गया भाई, हाँ कौन ऊपर की साइड है, हाँ ये रहा कौन। तो कौन की, अबे भाई कौन की बहुत लो प्राइस चल रही है, इतनी चलती है क्या, $1400 बस। ओ भाई यार कौन की प्राइस तो बहुत लो है, और हाईएस्ट 1400 है, तो अभी चल रही है 800। और तो वैसे कौन की हमारे प्राइस जो है वो इतनी खास मिल नहीं रही, तो इसको फार्म में स्टोर करना ही सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर प्रोडक्शन चालू करेंगे ना हम, तब इनका यूज ले लेंगे, क्योंकि अभी सेल करेंगे कोई फ़ायदा है नहीं। इसमें 37,000 लीटर है, तो 37,000 रुपये का जाएगा, 37,000 का भी नहीं जाएगा, ये लगभग जाएगा 33 से या 34,000 रुपये डॉलर का, तो हमें जो है नुकसान ही होगा, वैसे फ़ायदा तो होने वाला है नहीं।
क्योंकि भाई वीट से ही डाउन चल रही है इनकी रेट, और उतनी खास भी है नहीं इनकी रेट। वीट प्लांट कर लो या फिर कॉर्न प्लांट कर लो, उतना कॉर्न से तो अच्छे वीट होगी भाई। तो इसमें ये वाला इधर, अच्छा इधर की डाली थी मैंने लोकेशन, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर अनलोड। और भाई ये जो कॉर्न वाला हेडर है ना, इसको भी मैं सेल करने वाला हूँ, क्योंकि इसका कोई यूज रहेगा नहीं वो वाले हार्वेस्टर लेने के बाद, और ज़्यादा टूल रखूँगा तो वैसे ही ये क्रैश होनी है, तो वैसे मैं सेल करने वाला हूँ। तो अच्छे खासे अमाउंट हो जाएगा हमारे पास। तो ठीक है, मेरे को लग रहा है कि वीडियो एंड करने का पॉइंट ये ठीक है वैसे, और वैसे काफ़ी लंबी होगी, आज तो हद से ज़्यादा हो गई मेरे हिसाब से लंबी वीडियो। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।